अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फरहान कादरी है, मैं गुलशन इकबाल पार्क का इंचार्ज हूँ यहाँ का। आपने यहाँ पे अरेंज किया है, लोगों आ जा रहे हैं, ईद का मौका है और आपकी इंतज़ामिया ने यहाँ पे लोगों को तफरी मुहैया करने के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, जिसमें आप काबिले साइश हैं और मुबारकबाद के मुस्तक हैं। आप शहर सियालकोट के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो इस वक्त यहाँ पे तफरी मुकाम पर आए हुए हैं, और ईद के हवाले से आप इनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? यहाँ पर यही कन्वे मैसेज करना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी जो अमल है, इनको जो है ना 24 घंटों की ड्यूटी है, ठीक है। जिस वक्त वैसे काफ़ी रश देख रहे हैं इधर कोई टिकट वगैरह नहीं है। हम जितने भी मेहमान हमारे यहाँ पर आते हैं उनको वेलकम करते हैं, उनको बाकायदा प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आने जाने के अलावा हमारे सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे अंदर और बाहर गेट पर ड्यूटी दे रहे हैं। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप किस इलाका से यहाँ तशरीफ लाए? भोपालवाला से। भोपालवाला से आप यहाँ ईद मनाने के लिए आए हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई पैगाम देना चाहें? मेरी तरफ सारे पाकिस्तान को ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कर रही हैं? इंजॉय कर रहे हैं। आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं टोन से। तो आपको ईद मुबारक कहते हैं, आपको ईद मुबारक कहें लोग शहर सियालकोट के लोग। हम सब हमारी तरफ से हम सबको आप सबको ईद मुबारक हो। आप पढ़ती हैं? जी पढ़ती हूं। किस क्लास में? 7 क्लास में। अकेली आई हैं? नहीं, दादी अम्मी आई हैं, चाचू जी आए हैं और कज़न आए हैं। दादी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, कैसा लग रहा है? सही है, सोना। तो आप अपने बच्चों को साथ लेकर आई हैं? हाँ जी। बच्चे खुश हैं? हाँ बच्चे नाल। बहुत आप सबसे पहले तो हम आपको ईद मुबारक कहते हैं। आपको भी ईद मुबारक मेरी तरफ से, एसटीवी के तमाम अमले को ईद मुबारक, तमाम सहाफियों को ईद मुबारक, सबको दिली ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने इस उजड़े हुए गुलशन को ईद पे आबाद किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जब एक चीज़ तबाह हो रही थी आपने उसको आबाद कर दिया? जी, ये हमारी कंपनी है, नेशनल फनलैंड कंपनी। ये दूसरे शहरों में भी हम ऐसे ही काम कर रहे हैं, और जब हमने ये प्रोजेक्ट लिया था ना, तब इधर वाकई कोई आने वाला नहीं था, इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। हमने इधर आए हैं, इंशाल्लाह आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ भी आई हैं, फैमिलीज़ को हम तहफ़ भी दे रहे हैं, सब कुछ फैमिलीज़ खुश भी हैं, और हम दूसरे पार्कों की निस्बत हम इधर ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, इसलिए कि हम टिकट भी हमने बिल्कुल माकूल रखी हुई है। गरीब आदमी का हम जनाब पूरा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप शहर सियालकोट के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? शहर सियालकोट के लोगों को हम पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे पास आए इधर, हम इनको पूरी फैसिलिटी देंगे, इनको पूरा तहफ़ देंगे, इनके बच्चों का तहफ़ करेंगे, फैमिलीज़ का तहफ़ करेंगे, और हम इन सब हमारी तरफ से नेशनल फनलैंड कंपनी की तरफ से तमाम सियालकोट शहर वालों को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से तशरीफ लाए? सौ वाली से, वरियों के साथ। वरियों के साथ आपको ईद मुबारक कहते हैं? खैर मुबारक जनाब। ये आपकी फैमिली है सारी? जी फैमिली है सारी। एंजॉय करने आए हैं? जी एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो बच्चों ने आपसे ईदी तो ली होगी? जारी बात है कि बच्चों का देना है, बच्चों ने ईदी तो लेनी है। किस बच्चे ने ज्यादा जिद की थी? यहाँ एक बेटी है मेरी, अफीफा ये बच्ची है। अफीफा इधर आए आपको आए में। अफीफा आपने जिद की थी? क्या आपने जिद करके क्या लिया है? ज्यादा पैसे दे। कितने पैसे? 200। क्या? 200। 200 रुपया लिया है, तो उसका क्या किया है? खाया। ये पापड़ वगैरह खा लिए? आप फिर टांड भी पड़ेगी। आप लाडलियां ज्यादा? कोई ईद मुबारक कहना चाहेंगे किसको? आप ईद मुबारक कहना चाहते हैं? मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। आपको ईद मुबारक। आप सबको भी, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। आप कहाँ से यहाँ एंजॉय करने के लिए आई हैं? हम यहाँ बाबेरी से आए हैं। अब ये बताएं कि जो आप ईद मनाने के लिए आए हैं, आपको कितनी ईदी मिली है? मुझे 1000 रुपया मिली है इस हाला से। हाला से मिली है? मामा पापा से नहीं मिली? मामा पापा से मिली है। आपने जिद करके ईदी ली है या फिर प्यार से? प्यार से मिली है। आपने क्या कहते हैं कि आपने किसी को भी ईदी दी है? नहीं, मैं तो सबसे छोटी हूँ, मैंने किसी को नहीं दी, इन बच्चों को दिया, छोटा इसको दिया। आपको कितनी दी है? 4। बस वो क्या गया? पापड़ खा लिया। क्या नाम है आपका? तैयब। तैयब करते क्या
काम करता हूँ। आप ईद मुबारक कहना चाहेंगे सर? किसको? पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। आपका नाम? आरजू। आरजू आप यहाँ क्या करने आई हैं? घूमने आए हैं, झूले लेने आए हैं। ईद पे? हाँ जी। ईद किससे सबसे ज्यादा मिली है? ताया से। ताया ने ज्यादा दी है तो मम्मा ने कुछ नहीं दिया? दिया है। झिड़कियाँ? नहीं। तंग तो नहीं किया घर वालों को? नहीं। क्या लिया है? सबसे ज्यादा ईद किससे मिली है? ताया से। ताया से मिली है। तो आप जो है ईद मुबारक कहना किसको कहना चाहेंगे? ईद मुबारक पूरे पाकिस्तान को। जोर से कहें पूरे पाकिस्तान को। क्या? ईद मुबारक। आपका नाम? इस्मा। इस्मा आप यहाँ ईद की एंजॉयमेंट करने आई हैं? जी। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे? घूमेंगे, झूले लेंगे। आपने आपको जो ईदी मिली है वो कहाँ आपने खर्च की है? हमने खर्च नहीं की। क्यों? कंजूसी की है? नहीं। फिर मामा मामा को वापस कर दिया है? जी। तो फिर क्या खर्च करेंगे? आप किसको ईद मुबारक कहना चाहेंगे? पूरे पाकिस्तान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो आप क्या कहना चाहती हैं? ईद बहुत अच्छी है। अच्छा बहुत मजा आ रहा है घूमने का भी। अच्छा आपको मजा माँ बाप को तंग करके पैसे लेने का आ रहा है या वैसे घूमने का? सभी माँ बाप को तंग करके भी आ रहा है वैसे भी झूले। माँ बाप को तंग कर दो? इडली नहीं थी 500 रुपया इडली बस। बहुत है तो माँ ने तंग करके 500 तंग बस। हाँ खर्च कर दिया बस। हूँ बहाली हूँ हफ्ता इंतजार करेगा कौन देगा? मामू से लूंगा। अच्छा वाह जी वाह। तो शहर सियालकोट के लोगों को आप किसको ईद मुबारक कहना चाहेंगे? पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। पूरे पाकिस्तान को मुबारक। सब ईद सबको ईद मुबारक। तो आप किस शहर इलाके से आप यहाँ पे आए हैं? फतेहगढ़ से। फतेहगढ़ से आप आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आज ईद का त्यौहार है और लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को लेकर निकले हैं बाहर। जब आप बच्चे थे और ईद मनाया करते थे और उस वक्त की ईद की में आज की ईद में क्या फ़र्क है? हमारे ज़माने में तो पार्क होते ही नहीं थे ना, तो इसलिए आज के बच्चे जो हैं वो हमसे तेज़ हैं और ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। हम भी बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा बच्चों में सबसे ज़्यादा जो ज़िद किसने करके आपसे ईदी ली है? मेरे बेटे ने की है। वो बेटा किधर है? बेटा किधर है? हमजा। अच्छा आप इसकी हाश पे यहाँ पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो आपने पापा मामा को जिद करके ईद पे इधर लेकर आए हैं और अपनी डिमांडें जिद करके पूरी की हैं? यस। क्या मिला आपको मामा बाबा से? मामा बाबा से ईद मिली और कितनी? पापा से 250 मिली है। 250 के लिए जिद कर रहे थे और जो जो आपने डिमांड रखी वो पूरी कर दी। वैसे आप ये बताएं कि जिद करना अच्छी बात है? नहीं 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 ना, जिद करना अच्छी बात नहीं है ना। हां तो आइंदा से ना करना है। ठीक है ठीक है। तो आप किसको ईद मुबारक कहना चाहेंगे? मैं सबको सबको कह दें ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया।